नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। तो दौड़ लगाना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दौड़ लगाते हैं तो नेचुरली हमारे जॉइंट्स लचीले हो जाते हैं और हमारी आज एजिलिटी बढ़ाने के लिए यानी कि स्फूर्ति, शरीर को जल्दी से मोड़ने के लिए भी दौड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए खुली हवा में दौड़ लगाना चाहिए। उसके बाद कलारी के जो किक्स होते हैं उसमें आपके एक हाथ को किक करके फिर दूसरे हाथ को राउंड किक करते हैं, वो एजिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी उससे बढ़ती है। एक हाथ को किक करके दूसरे हाथ को राउंड करके फिर किक करना है, इससे आपकी एजिलिटी यानी कि स्फूर्ति और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन शरीर में दोनों बढ़ जाता है। इसके बाद हम चक्रासन या धनुरासन, इन दोनों में से कोई भी हमारे शरीर की लचीलापन बढ़ाने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। चक्रासन में हमारे शरीर, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे पूरे शरीर बहुत ही लचीला हो जाता है। उसके बाद हनुमंत बैठक को नीचे जाकर कुछ देर होल्ड करना, इससे भी हमारे पैरों में बहुत ही अच्छे से लचीलापन आ जाता है और शरीर को अच्छे से एजिलिटी भी मिलती है। इसके बाद लचीलापन बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार के जो शुरुआत के दो आसन हैं वो करना, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है।